पीएच मान, विभिन्न पदार्थों में किस पदार्थ में किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, इसको ठीक से समझना है। ठीक है, तो विभिन्न पदार्थों का पीएच मान, तो आपको देखिए जल, जल का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, सिरका का पीएच मान 3 होता है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है, और इसके समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मानव का लार यानी स्लेबा है ना, थूक उक जो होता है, उसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। तो पीएच मान में क्या होता है, देखिए पीएच मान में 7 को जो है, 7 को रखा गया एकदम डेफिनेट, 7 जो है 7 को रखा गया बॉर्डर, समझे। तो पीएच मान में 7 को क्या रखा गया, बॉर्डर। तो 7 जो होता है, 7 का पीएच मान जो, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 हुआ तो उसका विलयन जो है क्या होता है, उदासीन होता है। 7 का, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा उसका विलयन क्या होगा, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन विलयन। ठीक है, और इसके बाद जो 7 से जब अधिक होगा, 7 से जब अधिक होगा तो विलयन जो है क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षारीय। और 7 से जब कम होगा, 7 से जब कम होगा तो विलयन जो है अम्लीय होगा, समझ मारी बात। जिसका पीएच मान जितना कम होगा 7 से, ठीक है, वो पदार्थ उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा, समझ मारा है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आपको आगे बताते हैं, ध्यान से देखिए।